अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक ऐसा क्या हो गया कि पहले ही दिन हमें कोलकाता में जेल में डाल दिया गया। अरे दोस्तों उठ जाओ, मेरी बहन स्कूटी लेके इधर ही आ रही है। क्या भागो भागो, 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 भागो। अरे जल्दी आओ, मैंने लिफ्ट रोका हुआ है। अरे आंटी आपको नहीं बुला रही थी मैं। अरे मम्मी जल्दी आओ यार, पैसे नहीं लगते इधर। जी नहीं दोस्तों, हम ये पोटी नहीं कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। भैया कुछ खाने को है क्या? अरे नहीं नहीं आगे बढ़ो। अब पैसा दे के खाऊंगी मैं, भिखारी समझा क्या? अरे मैडम आपका मांगने का तरीका ही गलत था। रुक साले, अभी तेरा वीडियो वायरल करती हूँ मैं, सिद्धि दास की बीवी हूँ मैं। हाँ दोस्तों, लगभग 3 साल बाद ट्रेन में ट्रैवल करने जा रहा हूँ और आज भी कुछ भी नहीं बदला, सेम वैसा का वैसा ही है। घंटों इंतजार करना पड़ता है ट्रेन का। ये लो नाम लिया कि नहीं, ट्रेन हाजिर, 100 साल जिएगी बेटी। तो फाइनली मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके हम निकल पड़े कोलकाता की ओर। अंदर अपने सीट में बैठते ही मेरा दिमाग घबरा गया, क्योंकि हमारे को जो सीट मिला था वो था दरवाजे की ठीक साइड में, और इतिहास गवाह है कि जिनको भी ये साइड सीट मिलता है उनको रात भर गेट कीपिंग का काम करना पड़ता है, यानी दरवाजा खोलना और बंद करना। ओए माँ ये क्या था? अरे टेंशन नहीं पापा, गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी स्टार्ट होते ही मेरा भी ड्यूटी स्टार्ट हो गया। ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त अपने इन चप्पलों का जरा ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ी सी आपकी नजर हटी तो ये चप्पलें DDLJ की सिमरन की तरह किसी राज को लेके दूर भाग जाती हैं। दोस्तों मुझे पता नहीं, बचपन से टीटी को देख के बहुत डर लगता है। जब भी कोई टीटी मेरे सामने आता है मैं वहां से निकल जाता हूँ। आज भी मुझे पतली गली से निकलना पड़ेगा और किसी टॉयलेट में जाकर छुपना पड़ेगा। कौन है तेरे घर में बाप नहीं है? अरे सॉरी 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 दीदी। अबे कौन है तेरे घर में बाप भाई नहीं है क्या? अरे अरे सॉरी भैया। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे पास कंफर्म टिकट है, पर पता नहीं TC को देखो तो बहुत डर लगता है यार। चलो जब तक इस टॉयलेट में फंसा हुआ हूँ, चलो इस टॉयलेट का रिव्यू ही कर देता हूँ। तो दोस्तों ये है वो वेस्टर्न टॉयलेट जिसमें ये जेट स्प्रे लगा हुआ है। किसी जमाने में यहाँ पे ना मग्गा और चेन लगा रहता था जिसे लोग चुरा के लेके जाते थे, वो भी क्या जमाना था यार। और दोस्तों ये जो आपको हैंडल दिख रहा है ना, इसको पकड़ के ही यहाँ पे टट्टी करना पड़ता है, वरना कभी कभी पता है क्या अंदर घुस जाते हैं लोग। बहुत देर हो गया गाइस, चलो अभी बाहर निकलते हैं, टीटी भी निकल गया होगा। पर जब मैं अपनी सीट में वापस आया तो देखा यहाँ तो एक अलग ही मनोरंजन चल रहा है। देखते देखते गाड़ी टाटा नगर पहुंच गई, जहां पे मुझे लगा मेरे कुछ फॉलोअर्स आएंगे मुझसे मिलने, बट एक मक्खी तक नहीं आया। निराश होकर जब मैं अपनी सीट पे वापस आया तो देखा कि दरवाजे के पीछे कुछ हलचल हो रही थी। फिर अचानक से एक आवाज सुनाई दिया, एक जानी पहचानी सी आवाज, जिसे देख मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई कि ये लोग इतने रात को क्या कर रहे हैं, वो भी ऐसी वाले डिब्बे पे। अब मुझे हमेशा की तरह सोने का एक्टिंग करना पड़ेगा। इस बीच गाड़ी आके पहुंच चुकी थी खड़गपुर में। ये वही शहर है जहाँ पे धोनी क्रिकेटर बनने से पहले एक TT का काम किया था। तो दोस्तों अगर आपको भी जिंदगी में कुछ करना है तो खड़गपुर स्टेशन में आके TT बन जाओ। दोस्तों थोड़ी सी ही आंख लगी थी कि नहीं कि कुछ अजीब सी आवाज आई मेरे कंपार्टमेंट से। गाइस पिछले 2 घंटे से यही सब चल रहा है यार, एक पल भी झपकी नहीं मार पाया मैं। फाइनली इतने सारे स्ट्रगल के बाद हम पहुंच गए हावड़ा में, जहां स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर गाड़ियां भी चलती हैं। हावड़ा का ये स्टेशन, ये ब्रिज और ये पीली पीली एम्बेसडर गाड़ियां देख के जो आनंद मिला ना गाइस, ट्रैवलिंग टाइम में जो भी गम मिला था हमको सारा कुछ हमने भुला दिया। इस बीच हमारी बहन कैब वाले के साथ प्राइस के लिए बार्गेन कर रही थी, पर हमारा ध्यान पीछे गया क्योंकि पीछे तो कुछ अलग ही चल रहा था। दादा रुको रुको, आप 50 रुपए के लिए बोल रहे, आप कैसे हो रहे हो? 50 रुपए। बचपन से ही हमारी एक ख्वाहिश थी कि एक दिन हावड़ा ब्रिज के ऊपर से गुजरना है, जो सपना आज पूरा हो गया। ये मीनारे, ये इमारतें, ऐसे फील हो रहा था जैसे हाथ फैलाए हमारा स्वागत कर रहे थे। गाइस फाइनली एक होटल मिला जहाँ पे हम चेक इन करने वाले हैं और आके वहाँ पे पहुँच गए हैं। सो गाइस जल्दी से आपको रूम का टूर दे देता हूँ, ये है रूम नंबर 509। देखो लड़की ऑलरेडी आके बैठ चुकी है, वो मैडम भी इधर बैठ चुके हैं आके, सब टायर्ड लग रहे हैं। बहुत ही आलीशान रूम है दोस्तों, ये रहा मैं, और ये देखो ये लड़की को एक अलग से बेड दे दिया गया है, ये हमारा बेड है। अरे यार ये सब पागल लोग हैं। और ये बेड की एक खासियत बता देता हूँ गाइस, बहुत महंगा बेड है ये, हीरे हीरे लगे हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो ये सब हीरे हैं। चेकआउट करते वक्त गलती से एक हीरा भी यहाँ से गायब हुआ तो आपको जेल में डाल देंगे। ओ माय गॉड, ये है वो आलीशान टॉयलेट, देखो यहाँ पे ऐसे नल से पानी निकलता है, जो लोग बाल्टी में नहीं नहाते उनके लिए ये
हाथ से भी सिस्टम बनाया गया है, इससे भी हम नहा सकते हो, लेकिन हम मिडिल क्लास बंदे हैं, हमारे लिए बाल्टी काफी है। और ये देखो यहाँ से ना बारिश के माफिक पूरा पानी गिरता है नीचे, झमझम झमझम, बहुत बारिश का फील देगा। ये टॉयलेट भी बहुत मस्त दिख रहा है, और ये देखो टॉयलेट भी कितना मस्त झनझन झनझन करके आवाज आ रहा है। ये पिचकारी दिया गया है, जो लोग पिचकारी में यूज करते कर सकते हैं, या फिर मग्गा भी है। चलो गाइज इतना ही है, और फिर इसी रूम पे हम आने वाले 3 दिन रहने वाले हैं, मस्त एंजॉय करेंगे, बहुत ही आलीशान रूम है गाइज, एनएस इंटरनेशनल का। चलो अभी चलते हैं, भाग चलते हैं। वो नहीं निकलने वाला बेटा, तू तो गई फंसी भाई। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक ऐसा क्या हो गया कि पहले ही दिन हमें कोलकाता में जेल में डाल दिया गया। पूरी कहानी जानने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, और हमारे इस पेज को फॉलो करना मत भूलना गाइज।